दुनिया में तरह तरह के जानवर होते हैं पर वे तो आपस में कभी लड़ते नहीं। तो फिर ये नेवला और सांप के बीच में हमेशा 36 का आंकड़ा क्यों बना रहता है? और सांप के जहर से नेवले पर कोई असर नहीं पड़ता क्या? नेवला सांप को अपना शिकार बनाने के लिए उससे लड़ता है, जबकि सांप अपनी जान बचाने के लिए नेवला से लड़ता है। और कोई जानवर जब दूसरे जानवर पर अटैक करता है तो वह धूम दबाकर भाग जाता है, लेकिन तब सांप भागने की कोशिश करता है तो वह नेवले से तेज नहीं भाग पाता और मजबूरन उसे नेवले से लड़ाई करनी पड़ती है। नेवले की खाल मोटी जबकि उसका शरीर विष प्रतिरोधक होता है। अगर इतना सब कुछ है नेवले में तो सांप को घर में घुस जाने पर उसे नेवले से क्यों नहीं मरवाते? अगर ऐसा किया तो सांप घर में रखे सामान में घुस जाएगा और नेवले पागलों की तरह खड़ा रह जाएगा। इसलिए सांप को नेवले से WWE ना कराकर चुपचाप स्नेक रेस्क्यू टीम को बुलवाएं और बिना भागे चुपचाप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।